नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चलो ट्रेन के एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो है थर्ड एसी के बारे में। आज हम देखने वाले कि थर्ड एसी कोच कैसा होता है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, थर्ड एसी में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, उसकी वॉशरूम कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पर और ये हमारा सामान रखा हुआ है लगेज। तो प्लेटफॉर्म पर लग जाए ट्रेन एक बार, फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और अभी ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रयागराज की सबसे VIP ट्रेनों में इसकी गिनती होती है। ये ऑन टाइम आती है, कभी कभार अगर लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, बट वैसे ये कभी लेट नहीं होती है। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही छूटती है और 1 पर ही ये पहुँचाती है। तो अभी हम यात्रा करेंगे प्रयागराज एक्सप्रेस में, ट्रेन नंबर 12418 और इसका स्टॉपेज यहाँ से गाज़ियाबाद, अलीगढ़, कानपुर और फतेहपुर, फिर प्रयाग जंक्शन है और कोई इसका स्टॉपेज नहीं है। तो इसलिए ये प्रयागराज की सबसे VIP ट्रेनों में इसकी गिनती होती है। तो चलिए, हमारा कोच बिल्कुल बस आने वाला है और अब हम यात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर डब्बे के बाहर ही एक सीटिंग दिया हुआ है, शायद ये जो अटेंडेंट होंगे उनके लिए दिया गया होगा यहाँ पर। और ये कुछ अलमीरा वगैरह बनाई गई हैं उनके कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और ये डोर है और इधर आप देखेंगे इधर फायर बॉक्स वगैरह रखे गए हैं, जैसे आग वगैरह लगने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामने यहाँ पर सेम जैसे रिजर्वेशन कोच में होता है वैसे यहाँ पर एक वॉश मशीन और लगाई गई है और यहाँ पर शीशे लगाए गए हैं। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है AC थर्ड AC का। और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल जो है कंपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली AC को कंट्रोल करने के लिए लगे होंगे और कई सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। फायर अलार्म वगैरह हो सकता है, AC को कंट्रोल करने के लिए, हीटर वगैरह के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ मीटर वगैरह चल रहा है, ये वो बता सकते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं यहाँ पर। जो है यहाँ पर कुछ कॉक्स वगैरह हैं जो मीटर वगैरह हैं ये चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें MCV वगैरह कुछ ऊपर लगी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिजर्वेशन के जैसा ही ये भी कोच है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ फैसिलिटेट कर दिया गया है। इसमें आपको AC दे दी गई है और इसमें आपको ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं ये AC का लिए बना हुआ है, जो वाइट सी जाली देख पा रहे हैं, इसमें से आपको AC और हीटर दोनों मिलता है। सर्दियों में आपको हीटर मिलेगा और गर्मियों में आपको AC इसी में से आती है। ऊपर लाइट्स वगैरह दी गई हैं जो आपको रिजर्वेशन कोच में भी मिल जाता है। इसमें भी 3 सीटें हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसे आप लोअर, मिडिल और अपर भी बोलते हैं। 2627 तो मेरा कोच नंबर है सबसे नीचे वाला। और यहाँ पे कुछ सॉकेट्स लगे हुए हैं, एक सॉकेट, दो सॉकेट और ये रीडिंग लाइट है। तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं कुछ ऐसे, अभी नहीं चल, ऐसे कुछ ऐसे उसको पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पर मिरर भी लगा हुआ है और ये रहा इसका विंडो, कुछ पर्दे वर्दे, पिलो वगैरह आपको मिल जाएगी। चेयर में भी गुटका खा के थूक थूक के हल कर दिया, थर्ड AC का भी याद रखेगी और उसकी जिम्मेदारी है भाई साहब। इस ट्रेन का जो मुझे सबसे एक अच्छी चीज़ लगी वो ये है, ये रिजर्वेशन कोच में शायद ही आपको मिले, कि आप देख सकते हैं जो नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ी है छोटी सी, अगर आप नीचे सीट पर है और ऊपर सीट पर जाना चाह रहे थे, ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और वैसे अभी नाइट का टाइम हो चुका है, रात का, तो सभी जब सोते हैं तो ऐसे ही ब्लू कलर की लाइट जल जाती है। और ये टेबल है छोटा सा जहाँ पर आप अपने बोतल और टिफिन वगैरह रख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ और वॉशरूम दिखाते हैं आपको। वॉशरूम यहाँ पर हैंड वॉश लगा हुआ है और ये यहाँ पे एक सॉकेट दी गई है, अगर आप ट्रिमर वगैरह चलाना चाहें तो ट्रिमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये नल है यहाँ पर, इसको आप नल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह है। और ये इसका एकदम टॉयलेट सीट है और ये फ्लैश के लिए लेटेस्ट वाला है, इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो पानी आएगा इधर से। और ये है वाटर गन लगी हुई, तो आप जब यूज़ करेंगे वॉशरूम तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ये लगा हुआ है और यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए थोड़ा सा विंडो है और ये भी ऊपर से एग्जॉस्ट का फैन लगा हुआ है। और ये सामने जो है ये मिरर है इसका, तो यहाँ पर आप रेडी हो सकते हैं। दूसरा वाला जो वॉशरूम है वो जो है इंग्लिश वॉशरूम है, तो कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखाने की। दूसरा वाला वॉशरूम है, यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है और ये वॉश बेसिन वगैरह बनी है, ये इसका हैंड वॉश है। और ये इंग्लिश वाला टॉयलेट है, टॉयलेट सीट इंग्लिश लगी हुई है। यहाँ पर ये वाटर गन लगी हुई है, बेसिकली यहाँ पे भी ये फ्लैश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बायो टॉयलेट है, तो इसमें जब भी आप यूज़ करें इसको, इसमें पानी की बोतल वगैरह बाकी की जो है कचरा यहाँ पर ना डालें। ये भी एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा हुआ है सिंपल। बेसिकली हर कंपार्टमेंट में दो वॉशरूम होते हैं इंग्लिश, हर डब्बे में 4 वॉशरूम होते हैं, 2 इंग्लिश और 2 नॉर्मल वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं उनके यहाँ पढ़ने के लिए भी यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है बड़ी आसानी से टच करके ऐसे पढ़ पाएंगे।